जस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा, आलू की एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी आज हम बनाएंगे, जीरा आलू। किसी को टिफिन में देना हो तो टिफिन के लिए ये सब्जी बहुत ही कारगर साबित होती है। कहीं जा रहे हो तो आपको सफर के लिए खाना ले जाना है, उसके लिए कुछ ही मिनटों में सब्जी बन के तैयार हो जाती है। चाहे दाल राइस हो या पूरी, पराठे, रोटी, किसी भी चीज के साथ खा सकते हो। ये सब्जी बहुत ही चटपटी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए आज मिल के बनाते हैं जीरा आलू। घर के कुछ बेसिक चीज़ों से ही ये सब्जी बन के तैयार हो जाती है, जो कि ये सामान जो है सबके घर में अवेलेबल होता है और इसको बनाना बहुत आसान है। 5 से 7 मिनट में ये लाजवाब सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 आलू को बॉईल करके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन, जीरा दरदरा कुटा हुआ सौंफ, कसूरी मेथी, भुने जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, राई, बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुकिंग ऑयल। यहाँ पर एक हमने पैन रख दिया था, इस पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें हम राई डालेंगे और इसमें अब हम जीरा डाल देंगे। जीरा इसमें हम ढेर सारा डालेंगे क्योंकि हम जीरा आलू बना रहे हैं। 1 चम्मच भर के जीरे का इस्तेमाल हम यहाँ पर किए हैं और इसमें तुरंत ही अब आलू डाल देंगे हम। सब्जी बहुत ही साधारण सी सब्जी है, बहुत ही झटपट बन जाती है। ये सब्जी दिखने में जितना ही सिंपल होती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन खाने में ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये दरदरा कुटा हुआ सौंफ, इसको हम अभी डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुने जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब्जी को चटपटा करने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच अमचूर पाउडर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और साथ में इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी हम इस्तेमाल किए हैं। कसूरी मेथी घर में हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसको हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। एक बार इस तरह से जीरा आलू ट्राई करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।